हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। कॉमर्स की पाठशाला में आने के बाद आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके और बेल आइकन को दबा देना है। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आपको हमारे तरफ से नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। नोट्स आप चाहें तो हमारे पास से खरीद सकते हैं और साथ ही साथ आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय जस्ट पेइंग 119 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। जिस तरह से आप ट्यूशन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारे चैनल का मेंबर बनना है, जहाँ पे ये सारी बेनिफिट्स आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आई मीन असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे 40% डिस्काउंट पे और व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा। नोट्स को छोड़ करके और असाइनमेंट्स को छोड़ करके व्हाट्सएप सपोर्ट आपको 24/7 हमेशा मिलता रहेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो सपोर्ट है वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है, सपोर्ट सारे लोगों के लिए है। लेकिन नोट्स अगर आपको चाहिए सस्ते दामों पे तो वो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, जो कि उनको 40% डिस्काउंट पे मिलेगा। आप अगर लेना चाहेंगे विदाउट मेंबरशिप यू विल हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट, लाइक 100% जो फी है वो आपको पे करना है। एट द सेम टाइम असाइनमेंट्स भी कॉस्ट होंगी, उनकी भी कॉस्ट होंगी, लेकिन अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको असाइनमेंट के लिए 1 रुपए भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मेंबरशिप प्लान। नाउ इग्नू बीकॉम न्यू आप प्लेलिस्ट में अगर आपको आपको आना है, अगर आपको स्टडी ठीक तरीके से करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सारे के सारे वीडियोस को आप एक जगह पे यू नो असेंबल कर दीजिए, जहां पे जाकर के हम वीडियोस को वॉच कर सके। तो वो चीजें ऑलरेडी करी गई हैं, है ना। आपको करना क्या है, आपको कॉमर्स की पाठशाला में विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ढेर सारी चीजें दिखेंगे, ढेर सारे सेक्शन दिखेंगे, इग्नू एमकॉम के नाम से, इग्नू बीकॉम के नाम से, इग्नू बीकॉम न्यू के नाम से, है ना। तो इग्नू बीकॉम न्यू पे आपको जाना है, सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इग्नू बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिनके अंदर ढेर सारे वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जाम में आसानी से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि होने वाला है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसके क्या क्या चीजें की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। सो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनफोर्सिबल बाय लॉ होता है ना, कि एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो भी एक लॉ, जो भी एग्रीमेंट अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा रहा है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी इन्फोर्सिबल मस्ट हैव सर्टेन एलिमेंट्स। तो एक ऑर्डर को एक तरीके से इन्फोर्सिबल होने के लिए, लॉ के नजर में उसको इन्फोर्सिबल बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि आपके पास होने चाहिए, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, है ना। क्या बोला गया, तो एज पर सेक्शन 10 जो है उसके हिसाब से सारे के सारे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनाए जाते हैं, अगर वो फ्री ऑफ कंसेंट है, मतलब सारे लोग अगर उसमें शामिल हैं काम को करने के लिए, जैसे एग्रीमेंट में दो लोगों का होना मिनिमम इम्पोर्टेंट है, तो दोनों अपने अपने कंसेंट से अगर वो उस एग्रीमेंट को करते हैं, जो भी लॉफुल कंसिडरेशन है उन चीजों को ध्यान में रखने के बाद, जो भी उनका लॉफुल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आ रहे हैं और वो ये डिक्लेयर नहीं करते कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और ये इन्फोर्सिबल होगा बाय लॉ। दस एन एग्रीमेंट बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ इट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट। तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका होना इंपॉर्टेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ये 10 अगर आप कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, प्रॉपर ऑफर आपको देना पड़ेगा अपने काउंटर पार्ट को और उसको एक्सेप्टेंस भी करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तो ही हम उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। दूसरा कंडीशन है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की बात की जा रही है, कोई इलीगल रिलेशनशिप आप क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। तो लीगल रिलेशनशिप जहाँ पे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ एक तरीके का रिलेशनशिप है ऑन टर्म्स ऑफ यू नो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो वो चीज आपको करना है। फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, मतलब जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, उनका कंसेंट होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि आपने किसी को जबरदस्ती मिला लिया, है ना। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज के पास कैपेसिटी होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेकर के जा सके, इस कॉन्ट्रैक्ट को कर सके, तो ये कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो भी चीजें इसमें की जाएंगी वो सब कुछ लॉफुल लॉ के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीमेंट किया कि हमें किसी का कत्ल करना है, किसी का खून करना है, तो वो तो भाई इलीगल हो गया ना, वो इलीगल हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो, अगर उसमें लीगल एलिमेंट्स नहीं है, लीगल कंसिडरेशन नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऑब्जेक्टिव रख लिया, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि सोसाइटी के लिए, आपकी कंपनी के लिए बेहतर है, उसे ही हम कहेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो वो होना इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, किसी एग्रीमेंट को अगर आप एक्सप्रेस करके ये नहीं बता पा रहे हो कि वो वॉइड है तो वो लीगल एग्रीमेंट ही कहलाएगा, है ना। तो ये एक कंडीशन है। आठवां पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, तो किस चीज का क्या मीनिंग है ये, इसके ऊपर सर्टेनिटी होनी चाहिए। बहुत बार होता है कि किसी टॉपिक के ऊपर जो है, मीनिंग के ऊपर जो है डिस्कशन होने लगता है कि भाई ये जो है वो सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, तो ये इन सारी चीजों, ये सारी दिक्कतें जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी चीजें हैं उसकी मीनिंग जो है क्लियर हो दोनों की दोनों पार्टीज को। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर अच्छा एक्सेप्टेंस अगर होगा, अगर अच्छा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के भी अच्छे होने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये भी होना इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर पाओ, तो ही हम इसे लीगल एग्रीमेंट कहेंगे, या लीगल एग्रीमेंट का जो मेन एसेंशियल है वो यही है। लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, फी पेमेंट करना, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीजें हैं उनको भी यहाँ पे करना, लीगल फॉर्मेलिटीज को करना इंपॉर्टेंट है ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये 10 पॉइंट अगर आप लिख दोगे आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया तो ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ये आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ी सी कहानी बनानी पड़ेगी। तो ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रॉपर ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, उनके बीच का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक आदमी ऑफर करेगा, दूसरा आदमी एक्सेप्ट करेगा, है ना। इस तरीके से आपको इंग्लिश में जो है यहाँ पे लिखना होगा, हालांकि डिटेल में यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है बट मैं उसको अभी नहीं करा रहा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं किसी और वीडियो में डिटेल में ये जो 10 पॉइंट है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट 5 मार्क्स में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, 10 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप चीजों को बना बना करके भी लिख पाएंगे। आई होप इतनी तो कैपेबिलिटी आप में है, ठीक है ना। तो दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।